हे एवरीवन, कुछ साल पहले जब इंटरनेट बहुत ही तेजी से बूम होने लगा था तो उसी टाइम वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म स्पेशली यूट्यूब में भी बहुत तेजी से ग्रोथ देखने को मिला। हर साल बहुत से अमेजिंग क्रिएटर्स अपने चैनल के थ्रू बहुत से अच्छे वीडियोस दिखाते और अपने चैनल को सक्सेसफुली ग्रो कर पाते। वेल, इन्हीं सब क्रिएटर से इंस्पायर होकर आज बहुत से लोग ऐसे भी है जो खुद का चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं। एंड आई एम श्योर उन सभी लोग में आप भी होंगे जो खुद का चैनल स्टार्ट करके एक कॉन्टेंट क्रिएटर बनना चाहते होंगे। देखो, नो डाउट YouTube से फेम मिलता है, सक्सेस मिलती है, पैसे मिलते हैं, और अगर आप अपने चैनल को लेकर बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंट और सीरियस रहोगे तो आप YouTube को अपना फुल टाइम प्रोफेशन भी बना सकते हो। लेकिन एज अ कॉन्टेंट क्रिएटर YouTube से आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज मिलती है जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं बताते, और वो चीज है हेटर्स। क्योंकि नो डाउट आप कितना भी अच्छा वीडियो बना लो, कोई ना कोई होगा ही जो कमेंट सेक्शन में आपको जरूर हेट करेगा, जो कमेंट सेक्शन में आपको जरूर इंसल्ट करेगा, जस्ट बिकॉज वो आपको ना जाने क्यों बहुत ही ज्यादा हेट करता है। और सिर्फ YouTube पे ही नहीं, आपकी नॉर्मल लाइफ में भी आपको ऐसे कई लोग मिलेंगे जो किसी ना किसी बात की वजह से आपको इंसल्ट करेंगे जस्ट बिकॉज वो आपको हेट करते हैं। देखो, हेट करना, इंसल्ट करना, ये सब नॉर्मल बात है जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो और जिसे आप पूरी तरह से रोक भी नहीं सकते हो। लेकिन जो चीज आपके हाथ में, जिसे आप अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, वो है इस इंसल्टिंग सिचुएशन को आप किस वे में हैंडल करते हो, किस वे में रिएक्ट करते हो, और अपनी इंसल्ट का जवाब आप किस वे में देते हो। क्योंकि आप मानो या ना मानो, लेकिन आपकी लाइफ की हैप्पीनेस, एनीवन आपकी सक्सेस इस चीज पे डिपेंड करती है कि आप इंसल्टिंग वाली सिचुएशन को किस वे में हैंडल करते हो और आप अपने इंसल्ट को किस वे में रिएक्ट करके जवाब देते हो। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं डेल कार्नेजी की लिखी हुई ऑल टाइम बेस्ट सेलर बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में से ऐसे तीन इंपॉर्टेंट तरीके बताऊंगा जिसे फॉलो करके आप अपनी इंसल्ट का एकदम बेस्ट जवाब दे सकोगे। इसलिए अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो अपनी इंसल्ट को लेकर बहुत ही ज्यादा एम्बेरस फील करते हो तो मेरे आज के इस वीडियो को कंटिन्यूसली एंड तक जरूर देखें। क्योंकि आज के इस वीडियो में जो टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो ट्रस्ट मी आपके बहुत काम आने वाली है। सो लेट्स बिगिन। मेथड वन, अवॉइड एग्रेशन। मुझे कई लोग मेरे मोटापे के लिए बहुत ही ज्यादा इंसल्ट करते, बहुत ही ज्यादा चिढ़ाते, जो एक्चुअली में मेरे को बहुत ही ज्यादा बुरा फील कराता है, बहुत ही ज्यादा एम्बेरस फील कराता है, और जिसकी वजह से कई बार मैं सामने वाले इंसान पे बहुत ही ज्यादा एग्रेशन, बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगता हूँ। अब देखो, मैं जानता हूँ कि सामने वाले इंसान ने जो कहा वो गलत था, लेकिन जब मैं सामने वाले पे गुस्सा करता हूँ, सामने वाले पे एग्रेशन दिखाता हूँ, तो लोगों की नजर में मैं बुरा बन जाता हूँ, जबकि कल्प्रिट कोई और होता है। लेकिन आज जब कोई मेरी इंसल्ट करता है, स्पेशली मेरे वेट को लेके, तो मैं उस सिचुएशन को एकदम पॉजिटिवली हैंडल करके एकदम मजाकिया तरीके से उसका रिप्लाई देता हूँ, और वो रिप्लाई सुनके सामने वाला इंसान एक्चुअली में बहुत ज्यादा शेमफुल फील करता है। वेल, मैं ये कैसे करता हूँ, ये चीज मैं आपको इस वीडियो के लास्ट मेथड में बताऊंगा। देखो, जब आप इंसल्ट के बदले बहुत ही ज्यादा एग्रेशन और गुस्सा शो करते हो तो ये एग्रेशन, ये गुस्सा आपके बारे में चार चीजें बताता है। पहला, आप बहुत ही ज्यादा इनसिक्योर फील करते हो। दूसरा, आप बहुत ही ज्यादा गुस्से वाले इंसान हो। तीसरा, आप बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव पर्सन हो, इसलिए आपको हर चीज बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करती है। और चौथा, आप ये मानते हो कि सामने वाला इंसान जो बोल रहा है वो सच है और इसलिए आपको गुस्सा आ रहा है। देखो, सामने वाला इंसान हमें जानबूझ के इंसल्ट इसलिए करता है सो देट हम इंसल्ट के बदले रिएक्ट कर सके, एग्रेशन शो कर सके, सो देट ये उसे सामने वाले इंसान को सही प्रूफ करके उसे और भी ज्यादा बड़ा दिखा सके। इसलिए ऑथर कहते हैं कि इंसल्ट के बदले एग्रेशन शो करना, गुस्सा करना बहुत ही गलत तरीका है जो आपको टोटली अवॉइड करना चाहिए। मेथड टू, कीप साइलेंट। देखो, ना जाने दिन भर में हमारी कितने लोगों के साथ बहुत सारी आर्ग्यूमेंट हो जाती है जिसकी वजह से हमारे रिलेशन उनके साथ खराब हो जाते हैं, और जब रिलेशन खराब हो जाते हैं तो सामने वाला इंसान भी हमारी बहुत ही ज्यादा इंसल्ट करने लगता है। अब अगर आप उस आर्ग्यूमेंट को टोटली अवॉइड करना चाहते हो तो बेटर होगा कि आप एकदम साइलेंट हो जाओ। एग्जाम्पल, अपनी वीडियोस में मैं जो भी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ वो बेसिकली डायरेक्टली बुक में से ली गई होती है, जिसे मैं एकदम सिंपल वर्ड्स में आपके साथ एक्सप्लेन करता हूँ। मैं जानता हूँ कि जो भी नॉलेज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो जेन्युइन और बेनिफिशियल है, और जो लोगों को भी पसंद आती है, जो सिंपली मेरे वीडियोस पे आए हुए व्यूज और लाइक से समझ में आता है। लेकिन फिर भी हर वीडियो में एक ऐसा नमूना मिल ही जाता है जो जानता है कि जो भी बातें मैं वीडियोस में बता रहा हूँ वो सही है, लेकिन फिर भी खुद को बड़ा दिखाने के लिए वो कमेंट सेक्शन में आर्ग्यू करने लगता है। अब इनिशियली ये टाइप के कमेंट मुझे बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करते थे, लेकिन अब मैं इस टाइप के कमेंट को सिंपली इग्नोर कर देता हूँ, और अगर रिप्लाई देना ही रहा तो थम्स अप इमोजी या ओके बोल के छोड़ देता हूँ। क्योंकि अब मैं समझ गया हूँ कि इस टाइप के नमूने वाले लोग मेरे जेन्युइन रिप्लाई के हकदार नहीं है, और इनसे आर्ग्यू करने में मेरा ही टाइम वेस्ट होगा।
सिमिलरली जब कोई इंसान आपकी इंसल्ट करता है, आपको मोटा, काला, अगली कहता है, तो उसकी बातों पे रिएक्ट करने की जगह उसे सिंपली इग्नोर कर दो, और अगर आंसर देना ही है तो ओके बोल के वहां से निकल जाओ। ट्रस्ट मी, आपका सिर्फ ये ओके सामने वाले इंसान को जला के राख कर देगा, क्योंकि जब इंसल्ट करने पे सामने वाले इंसान को उसका एक्सपेक्टेड आंसर नहीं मिलता है तो वो चुप हो जाता है, और कुछ टाइम के बाद वो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करने लगता है, जिसका एंड रिजल्ट ये होता है कि आपकी जीत हो जाती है और आपकी इंसल्ट करने के बावजूद सामने वाला इंसान हार जाता है। देखो, लेकिन ये स्ट्रेटेजी आप तभी अप्लाई करना अगर सामने वाला इंसान स्ट्रेंजर है, जिसे आप नहीं जानते हो। लेकिन अगर आप सामने वाले इंसान को जानते हो और उसके साथ अपना रिलेशन खराब करना नहीं चाहते हो, तो ऐसी सिचुएशन में आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते हो। ऐसी सिचुएशन में आपको मेथड नंबर 3 को फॉलो करना होगा। मेथड 3, एक्सेप्ट विथ ह्यूमर। मेरे कई सारे वीडियोस में लाखों व्यूज है, अच्छे खासे लाइक्स है, और कमेंट सेक्शन के उस वीडियो में बहुत से लोग मुझे थैंक्स भी बोलते हैं। लेकिन फिर भी इस वीडियो में ऐसे बहुत से नमूने मिलते हैं जो पूरा वीडियो देखने के बाद भी कमेंट सेक्शन में लिखते बकवास वीडियो, पका मत यार, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब मैं उन व्यूवर्स का दिल नहीं दुखाना चाहता हूँ, इसलिए इस बार ऐसी सिचुएशन में मैं उन व्यूवर्स को कुछ ह्यूमरस टाइप का, कुछ सार्कास्टिक टाइप का रिप्लाई देता हूँ, कुछ इस तरह का, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गिविंग मी एन एडिशनल व्यूज सो दैट आई कैन अर्न मोर फ्रॉम यूट्यूब। सिमिलरली जब कोई नॉन इंसान मुझे इंसल्ट करता है मेरे वेट के ऊपर, जो खुद मोटा होता है, तो इसके रिप्लाई में मैं कहता हूँ कि हाँ यार, वर्क फ्रॉम होम करते करते वेट बढ़ गया है, बहुत जल्द जिम जाने वाला हूँ। मैं तो बोलता हूँ तू भी चल, क्योंकि तू भी बहुत ही ज्यादा टेडी बियर देखने लगा है। और अगर सामने वाला इंसान पतला होता है तो मेरा रिप्लाई कुछ इस तरह का होता है, हाँ यार, वर्क फ्रॉम होम करते करते बहुत ही ज्यादा वजन बढ़ गया है, बहुत जल्द जिम जाने वाला हूँ। मैं तो बोलता हूँ तू भी चल, कब तक ये माचिस की कांडी जैसी बॉडी लेके घूमता रहेगा। देखो, जब कोई स्ट्रेंजर आपकी इंसल्ट करता है तो उस टाइम पे साइलेंट रह के उसकी इंसल्ट को सिंपली इग्नोर कर देना बेस्ट होता है। लेकिन जब आप इस सेम इंसल्टिंग सिचुएशन को किसी नॉन पर्सन के सामने ऑप्टिमिस्टिक वे में हैंडल करते हो और पूरे सरकैज़म के साथ, एकदम ह्यूमर के साथ रिप्लाई करते हो, तो आप एक्चुअली में उस सिचुएशन को बहुत ही पॉजिटिव वे में हैंडल करते हो। आप उस इंसल्ट को एकदम पॉजिटिव वे में रिएक्ट करते हो, और इस तरह का सरकैस्टिक और ह्यूमर टाइप वाला रिप्लाई देने के बाद आप एक्चुअली में सामने वाले इंसान को उसकी इंसल्ट के बदले हरा देते हो। सो टू कंक्लूड, जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने कहा कि ये अमेजिंग लेसन मैंने आपको एक बहुत ही ऑसम बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल से बताया हो। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप और कॉन्टेक्ट लिस्ट में दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, सो डेट वो सभी भी इस इंपॉर्टेंट लेसन को सीख के अपनी इंसल्टिंग टाइप वाली सिचुएशन को प्रॉपरली हैंडल करना सीख सके। अभी के लिए अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला, जो आई एम श्योर मिला ही होगा, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करो। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि जब कोई इंसान आपकी इंसल्ट करता है तो उस सिचुएशन को आप किस वे में हैंडल करते हो। सेल्फ एजुकेशन और बुक रीडिंग की हैबिट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना मेरा मिशन है, तो मुझे मेरे इस मिशन में सपोर्ट करने के लिए मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकॉन पे भी क्लिक करें। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।